तीसरा हमने श्लोक के क्वेश्चन कौन सा देखा था, लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? धेनवा जलाशय किम पे बनते? तो धेनवा जलाशय किम पे बनते आप बताइए, धेनवा जलाशय तोयम पे बनते। तोयम माने क्या होता है? जल होता है। तोयम की जगह आप नीरम भी लिख सकते हैं, ठीक है, नीरम तोयम एक ही बात है। तो तोयम माने जल, यानी धेनु जो होती है ना जल से यानी तालाब से क्या करती है, जल को पीती है। कैसे भी जल को पी सकती है, ठीक है। लोक मात्रा का हा क्वेश्चन क्या है, लोक मात्रा नहीं, ये तो नहीं लिखा है सर मैंने, लिख रहा है क्या? नहीं ये नहीं लिखा है। हाँ तीसरे श्लोक का है, तीसरे श्लोक का है, ठीक है, तीसरे श्लोक का है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। लोक मात्रा कहा, लोक मात्रा मैंने क्या हो गया, माता मात्रो मात्रा, लोक माताएं कौन है, कौन है? धेनु। सात नहीं इसमें, धेनु देखो, सात ना देखो नहीं तो पेपर में गड़बड़ लगेगा। सत्यमात्र यानी वैसे क्वेश्चन, सत्यमात्र, ठीक है ना। तो क्या हो गया, लोक मात्रा कहा, धेनवा धेनवा हा लोक मात्रा हा, पूरा लिखना होगा, ठीक है सर। हाँ हाँ, वो एक श्लोक भी सर, वो सात लोग पृथ्वी को धारण करते हैं सर, उसमें सर गाय का है सर। हाँ तो नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हम लोग किताब में चल रहे हैं ना, बाहर मत चलो, अभी किताब के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, उसको देखेंगे बाद में, ठीक है। लोक मात्रा कहा, धेनवा लोक मात्रा का, ठीक है, आप लोग लिखना है सब लोग को, ठीक है। अब जो है ना अगला क्वेश्चन है, अगला श्लोक है चौथा, ठीक है, उसमें प्रश्न है, मनुजेन किम न कर्तव्यम, मनुजेन किम न कर्तव्यम। श्लोक चौथा पढ़िए जरा, श्लोक चौथा वैष्णव, आप श्लोक चौथा पढ़िए जरा, सब पढ़ेंगे सर, वो अकेले पढ़ेंगे सर। नहीं अभी आप लोगों के पास है, एक मिनट शांत रहिए आप, शांत रहिए। हाँ पढ़ा गया वैष्णवी क्या, अकृत्वा प्रसंतापम अगत्वा फल मंदिरम, और कहता अनुसृज्य शतम वर्षम यत् यत् स्वल्पमपि तद्भव, वैसे ये क्या, हाँ यत् स्वल्पमपि तद्भव, ठीक है। मनुजेन किम न कर्तव्यम, मनुजेन किम न कर्तव्यम, इसका अर्थ क्या हुआ, मनुजेन का अर्थ क्या हो गया मनोज, क्या ये मनुजेन माने क्या हो गया वैष्णवी, आप बताओ मनुजेन माने क्या हो गया, मन का अनुज, वेदिका आप बताओ इसका अर्थ क्या, मनुजेन का क्या अर्थ है, ये तृतीय विभक्ति में है, ठीक है। मनुज माने मनुष्य, मनुजेन माने मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के द्वारा किम न कर्तव्यम, कर्तव्यम करना चाहिए, एग्जैक्ट अर्थ आपको बताना है, घुमा फिरा के नहीं, ठीक है, यहाँ पर तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, तो चाहिए के अर्थ में होता है तव्यत प्रत्यय, मनुष्य के द्वारा क्या नहीं किया जाना चाहिए, चौथा चौथा श्लोक है, मनुष्य के द्वारा क्या नहीं किया जाना चाहिए, पक्का मनुजेन पर संतापम न कर्तव्यम है, लेकिन पूरा लिखना पेपर में आता है ना, तो केवल आप एक शब्द लिख नहीं सकते हैं, पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। मनुजेन परसंतापम, सर एक बार आप क्रॉस चेक कीजिए सर, उसको भी देख लेंगे, न करता हूं मनुजेन प्रसंतापम न कर्तव्यम, ठीक है, मनुष्य को प्रसंताप नहीं करना चाहिए, प्रसंताप क्या होता है,
किसी ना एक मिनट मर जो है ना प्रसन्नतापन नहीं था प्रसन्नतापन वैसे तो प्रसन्नतापन ही होना चाहिए प्रसन्नतापन लिखा हुआ है मनुजेन प्रसन्नताप न कर्तव्य प्रसन्नताप माने क्या होता है मनुष्य को मनुष्य के द्वारा वो एक बार श्लोक पढ़े सर मैं अर्थ बताता हूँ ठीक वेदिका आप पढ़ो जरा दूसरा श्लोक पढ़िए दूसरा सॉरी चौथा हाँ नहीं तो वेद के चौथा भी पड़ेगी दूसरा चौथा दोनों पड़ेगी चौथा पढ़ना है श्लोक पढ़ने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्या श्लोक पढ़ने में किसी को दिक्कत है क्या ठीक है अब जो श्लोक पढ़ेंगे आप लोग बुक लेके आइएगा ठीक है बुक लेके आएंगे तो फिर उसको हम लोग करेक्ट पढ़ेंगे कहाँ पढ़ना है ठीक है कहाँ कहाँ रुकना है उसको पढ़ते हुए ठीक है आप बैठ मनुजे प्रसन्नतापम न कर्तव्य प्रसन्नतापम या प्रसन्नतापम दोनों आप लिख सकते वैसे तो प्रसन्नतापम ही होना चाहिए मनुष्य के द्वारा दूसरे को दुखी नहीं करना चाहिए उसका सरार कि दूसरे को दुखी न करते हुए खलमन सर जो जो खोटा चल रहा जो खराब खराब जो खलो सर खलो मतलब सर कुटी दूसरी जो रास्ता है वो न अपना कर अगली लाइन कौन सी अरे इतना क्यों जा रहा है जो वही लिखो मत चलो सर और अच्छे मार्ग को अनुसरण करके जो भी कुछ मिलेगा सर उसको उसमें धन्य रहना चाहिए अच्छा है लेकिन इतना बड़ा नहीं लिखना है एक ही लाइन में लेकिन लिख दो अर्थ बता रहा हूँ अच्छा पूरा अर्थ बता रहे हो क्या उसका श्लोक का अच्छा अच्छा मुझे लगा इसका ही अर्थ बता रहा हूँ अच्छा बढ़िया तो मनुष्य द्वारा दूसरे को संताप नहीं देना चाहिए या दूसरे को दुखी नहीं करना चाहिए ठीक है अगला प्रश्न क्या है बता सकते हैं क्या शब्द क्या प्रश्न मनुजेन 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 कुत्र न गंतव्य मनुजेन कुत्र न गंतव्य गंतव्य का अर्थ क्या होता है जाना जाना अच्छा गंतव्य का अर्थ फिर गम माने क्या होता है गम माने दुख ए वो हिंदी का गम नहीं दुखी हो गया क्या अगर ये गम माने जाना है तो गंतव्य माने जाना तो नहीं हो सकता है सर गंतव्य मतलब ऐसा ठिकान जिधर जाना चाहिए हाँ करेक्ट ठिकाने में आना नहीं है इसका मतलब जाना चाहिए ठीक है तब व्रत पद जहाँ पर भी आपको ये दिखाई दे देखिए एक मिनट जहाँ पर भी आपको ये दिखाई दे तव्यम ऐसे करके दिखाई दे उसका अर्थ होता है चाहिए ठीक है तो गम माने जाना तब्यत माने चाहिए गंतव्यम जाना चाहिए मनुजेन मनुष्य के द्वारा पुत्र कहा न माने नहीं गंतव्यम जाना चाहिए मनुष्य के द्वारा कहा नहीं जाना चाहिए या मनुष्य को कहा नहीं जाना चाहिए खल मंदिरम करेक्ट खल मंदिरम माने क्या होता है खल मंदिरम माने क्या होता है हाँ मनुजेन खल मंदिरम न गंतव्य मनुष्य को खल मंदिर नहीं जाना चाहिए श्यामल खल मंदिर का अर्थ क्या होता है खल मंदिर का क्या अर्थ होता है अरे मुझे बताने में फिर पूछ क्यों रहा नहीं तो आपसे पूछ रहा पता है क्या है इसका प्रहलाद क्या नाम है परीक्षित क्या नाम है क्या नाम है
जीते हैं। अच्छा चलो तो वो भी परीक्षा हो रही है, ठीक है। मनुजेन खलमंदिरम न गंतव्य, खलमंदिरम का अर्थ होता दुष्ट के घर, दुष्ट के घर नहीं जाना चाहिए, मनुष्य को दुष्ट के घर नहीं जाना चाहिए। माने जब तब्यत करते लगता है तो इसका जो कर्ता होता है तृतीय व्यक्ति में हो जाता है, ठीक है। तो मनुष्य के द्वारा दुष्ट के घर नहीं जाना चाहिए या मनुष्य को दुष्ट के घर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग लिख लिया, लिख लिया गया, सबने लिखा इसको, ठीक है, लिख लो इसको, मिटा देता हूँ। अरे नहीं, पुस्तक से क्या, कॉपी लियो ना, कॉपी में लिखना है ना सर। लेकिन ये आपका होमवर्क भी है, ठीक है, याद भी करना है, ये भी सब याद करना है, क्योंकि पेपर में अब सब कुछ आने वाला है और आपसे पढ़ना है। लेकिन सर आप श्लोक लिख के देंगे ना सर? सर पेपर में मैं क्यों श्लोक लिख के दूं? मैं तो आपको क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ ना। श्लोक आपको याद करने हैं, आप एक बार याद करें, श्लोक आपको याद करने हैं, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना है और उसका मराठी में भी ट्रांसलेशन करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपको याद करना है, ठीक है। पेपर में आपका सब कुछ आता है, श्लोक भी लिखने को आएगा, श्लोक अगर आधा है तो उसको फिल करने को भी आएगा, श्लोक 100% आएगा, इसलिए श्लोक याद करना बहुत जरूरी है। श्लोक की तरह की सर आठ से आगे हो गया ना सर, चैप्टर 8 से आगे। आप नहीं समझे, वो तो अभी की बात है ना। देखिए आप जो वैसे पेपर में वो तो सारे पुस्तक से आने वाला है ना सर, सारे पुस्तक से नहीं आता सर। जब लास्ट एग्जाम होगा वो तो सारे पुस्तक से आता है ना, ऐसा है सर, ये महाराष्ट्र में सर नहीं आता, ऐसा होता है, बोर्ड में नहीं आता, सीबीएसई बोर्ड नहीं है, नहीं अच्छा बोर्ड, एसएससी बोर्ड है, ओके अच्छा। तो मतलब अभी जो हो गया उसका अगले से आएगा क्या, यहाँ तक नहीं आने वाला सर? मन ही सर पुढ़ सपाट मार्क से सपाट सर, इधर नहीं आता सर, पीछे वाला नहीं, सपाट मत दे, सही है, लेकिन सुनो पहले, ठीक है, श्लोक को तो याद कर डालो, ठीक है, अभी देख लो फिर अगले आंसर को देखेंगे। अगर ऐसा पक्का नहीं आता तो ठीक है, अगर आगे तो फिर आप ही फेल होने वाले हो, ठीक है, इसलिए याद रखिए, क्योंकि आप लोग बोल रहे मुझे नहीं पता है। प्रिंसिपल सर से हम तो पूछ रहे, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है, लेकिन ये श्लोक जो होते हैं ये हमेशा के लिए होते हैं, सुभाषित होते हैं, ठीक है। अगर कुछ चैप्टर तो अलग बात है, लेकिन सुभाषित तो हमेशा काम आएंगे, आप आगे कोई क्लास पढ़ने वाले उसमें भी चेंज हो जाता है ना ये चीज है, तो ठीक है, इसको तो आप देख लो। लिखा है, इसको लिख लिया गया? हाँ सर लिख लिया सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, नहीं क्या लक्ष्य रूप नहीं है, वेदांत अद्वैत आप बताओ, अगला क्वेश्चन क्या है, वही बता, ठीक है। मनुजे न किम अनुसर्तव्य, मनुजे न मनुजेन किम, किम क्या है, मनुजेन किम अनुसर्तव्यम है, अच्छा अनु इसका उत्तर क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, पहले इसका अर्थ क्या होगा, इसके बाद अर्थ बताए। हाँ हाँ नहीं एक बार अद्वैत को बता देना, वो फिर सोचा कि उसको वो इसी को बता देना, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता सर, नहीं लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, इसका अर्थ क्या होगा सर, उसको पूछो तो अच्छा है ना, मैं बच जाता हूँ, नहीं उसको भी बता दूंगा, बचा नहीं करूँगा किसी को, जो बचेगा वही फंसेगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया, वो बेचारा बहुत सीधा है, बहुत ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया, आप किसको पूछ रहे हैं, अच्छा ठीक है, तुम बात बताता है, बेचारा खा रहे थे तो बता नहीं पाता, बता यही मैं बोल रहा हूँ, वो बोली हुई है सर, मनुष्य ने क्या किस पाथ पे नहीं जाना चाहिए, मनुष्य को किसका अनुसरण करना चाहिए, ठीक है, हाँ मनुष्य को किसका अनुसरण करना चाहिए, किम किसका नहीं होता सर, है सर, क्या
वो पता है, सुनो तो यहाँ पे भावार्थ भी हो जाता है ना, एग्जैक्टली वही अर्थ ने कही, भावार्थ भी हो जाता है ना उसका, मनुष्य को किसको अनुसरण करना चाहिए, तो थोड़ा अटपटा लग रहा है ना वो क्वेश्चन निकल, तो मनुष्य को क्या अनुसरण करना चाहिए, किसका अनुसरण करना चाहिए, भावार्थ समझो ना उसका, वही चीज है ठीक है, लेकिन उसका जो क्या एग्जैक्ट जो अर्थ होता है वो समझ रहे, हाँ सताम वर्तम, मनुजेन सताम वर्तम, सताम वर्तम, सताम वर्तम अनुसर्तव्य, अनुसर्तव्य का अर्थ क्या होता है, अनुसर्तव्य का अर्थ क्या होता है, क्षितिज अनुसर्तव्य का अर्थ क्या होता है, पहले बताइए इसका अर्थ क्या है, तव्य का अर्थ क्या हो गया, तव्य का क्या अर्थ है, चाहिए, चाहिए, और अनुसर्त मतलब अनुसरण, अनुसरण, अनुसरण करना चाहिए ठीक है, मनुष्य को किसका अनुसरण करना चाहिए, सताम वर्तम, सताम वर्तम माने क्या होता है, श्यामानंद, सताम वर्तम माने क्या होता है, सताम वर्तम माने क्या होता है, सताम वर्तम माने क्या होता है, सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए ठीक है, मनुजेन सताम वर्तम अनुसरता, मनुष्य को सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, इधर ठीक है, अब तू जी का बात लाइज़ और हम लोग टेस्ट कितने चैप्टर तक लिए थे, सात तक, आठ तक लिए थे, यानी हम लोग को नौ से पढ़ना है लेसन, नौ से तो सोमवार से लेसन नौ से पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन एक मिनट पता क्या, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आप ये तो पुरानी आप कॉपी लेके आ जाओ ठीक है, ठीक है, कभी कर, कभी कर, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कितना टाइम है, ताली काम नहीं पूरे था, क्वेश्चन क्वेश्चन बता, क्वेश्चन क्वेश्चन बताओ, नहीं जो क्वेश्चन है प्लस पांचवें श्लोक का, पांचवें श्लोक का क्वेश्चन क्या है, वो बता रहे हैं सर, लोग पढ़ेंगे सर, आगे बस हो गया, लोग पढ़ेंगे ठीक है, कौन पढ़ेगा, छठवां है, एक मिनट, पांचवा, पांचवा श्लोक देख रहे हैं ना, हाँ पांचवें श्लोक का प्रश्न क्या है, के कार्य न प्रारंभ होते प्रश्न, पांचवे, हाँ पांचवें श्लोक का प्रश्न क्या है, नहीं नहीं ये नहीं कह, केवल प्रश्न बोल रहा है ना, प्रश्न बोल रहा है, नहीं नहीं प्रश्न, अच्छा पांचवे में नहीं दिया गया इसमें, छठवे में दिया गया है, प्रश्न हो गया, हाँ हाँ के कार्य न प्रारंभ, पहले श्लोक पढ़ना पड़ेगा सर, हमें पढ़ लो, के कार्य में प्रारभन्ते न फलो विघ्न भई न निचैः, ऐसा ही बोलते, के कार्यम न प्रारभन्ते, फलो निचैः, इसका अर्थ क्या हो, पहले अर्थ क्या हुआ, हिंदी से कौन सा कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं कौन सा नहीं है, कौन कार्य का प्रारंभ नहीं करते हैं, न माने नहीं, कौन कार्य का प्रारंभ नहीं करते, कौन लोग कार्य को प्रारंभ नहीं, फलो निचैः लोग, नीचा माने क्या हो गया, नीचा, हाँ नीचा, हाँ कार्य न प्रारंभ होते, नीचे ही है सर, नीचे ही, नीचे ही, नीचे ही था क्या, एक ही बात है, नीचे ही भी कर सकते हैं ठीक है, सर ये श्लोक आठ बताओ कैसे, हाँ हाँ श्लोक पढ़िए ना सर, इसका ट्यूनिंग नहीं जम रहा मुझे, अच्छा ऐसा क्या, नीच लोग कार्य का प्रारंभ नहीं करते, माने यहाँ पर बता रहे तीन तरीके के लोग होते हैं, एक होता है कार्य का प्रारंभ करते हैं लेकिन उसे अंत तक ले जाते हैं, दूसरे ऐसे लोग होते हैं कार्य का प्रारंभ करते हैं लेकिन कोई विघ्न आता है तो बीच में ही रोक देते हैं,
तीसरा ऐसा भी होता है जो कार्य का प्रारंभ देखने के कोई मुसीबत आने वाली वो कार्य का प्रारंभ ही नहीं करता। हाँ। नहीं नहीं सर सर इसका सर ये करके छोड़ देता है ऐसा है क्या? नहीं सर जो सर सबसे नीच लोग होते हैं ना सर वो विघ्न के भय से ही कार्य प्रारंभ ही नहीं करते सर। हाँ वही वही कार्य प्रारंभ ही नहीं करते वो कार्य प्रारंभ करने के बाद जब विघ्न आता है। इसका ट्यून क्या है? इसका ट्यून कैसा है सर? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जो महान लोग होते हैं तो कार्य प्रारंभ करने के बाद जो विघ्न आता है उसके ऊपर और कम करते सर, उसको विघ्न को सर दूर करते हैं और कार्य अंत तक ले जाते हैं। ऐसे तीन प्रकार के लोग होते हैं। हाँ यही इसका टीम कैसा है? किसको पता है इसका टीम? इसे स्लो कटिंग किसको पता है? सुरेश बताए क्या? प्रहलाद श्यामानंद पढ़ेगा इस श्लोक को। श्यामानंद इस श्लोक को पढ़ो ना छठे श्लोक को। जैसा ट्यून है वैसे पढ़ो छठवें श्लोक को। नहीं 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 सही ट्यून से ही पढ़ना है। मुझे एग्जैक्ट ट्यून तो नहीं पता है लेकिन वैसे मैं पढ़ सकता हूँ। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, देखो मैं आपको बता रहा कैसे पढ़ता है। एक मिनट प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचे ही प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तम जना न परे त्यजन्ति। इसी क्यों पढ़ना कुछ नहीं बता नहीं छंदों में रहता है तो कौन से पट्टी में क्या पट्टी क्या होता है? मुझे नहीं पता वो तो हमने सीखा हुआ है ना पढ़ते रहते थे तो मालूम था इसको ऐसे हम शास्त्रीय संगीत सीखते ना सर। सीखते हो बड़ी अच्छी बात है बड़ी अच्छा है म्यूजिक तो बहुत अच्छा शास्त्रीय संगीत से। मैं जब उधर रहता था।